Fatiha. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان فرش عزا کے بزرگان مرحومین کی روحوں کو ایصال فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلوات الله محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں. برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیت کا ایک فقرہ ہماری گفتگو کا سرنامہ قرآنی ہے، اور اس فقرہ قرآنی کی روشنی میں ہم حقیقت تفقہ و اجتہاد اور مسئلہ تقلید و ارتقاء فی الدین طے کر رہے ہیں. مسئلہ تفقہ، مسئلہ اجتہاد اور مسئلہ تقلید، اگر اس کی عمومیت پسندانہ تعبیر اختیار کی جائے تو کسی بھی تمدن اور تہذیب کے لیے اجتہاد اور تقلید ایک لازمی ضرورت ہے. کوئی بھی تمدن قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں دونوں چیزیں نہ ہوں، اجتہاد اور تقلید. کوئی تہذیب وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس میں دونوں چیزیں نہ ہوں، اجتہاد اور تقلید. یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام افراد بشر ایک ہی ذہنی سطح پر پہنچ جائیں. ممکن نہیں ہے کسی بھی معاشرے میں تمام افراد بشر، تمام انسان ایک ذہنی سطح پر پہنچ جائیں، ایک علمی سطح پر پہنچ جائیں. یہ ممکن نہیں ہے.
किसी भी मुआशरे में चाहे वो कितना ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, उसमें ज़हानतों में तफावत होगा, तबीयतों में तफावत होगा, लोगों के मरातिब में तफावत होगा, लोगों के ज़ौक में इख्तिलाफ होगा। इख्तिलाफ ज़ौक रहमत है, इख्तिलाफ ज़ौक, इख्तिलाफ शौक, ये सब रहमत है, फितरत का अतिया है, फितरत की बू कलमूनी है, फितरत की रंगारंगी और नयरंगी है। अगर ये नाम हो तो फ़ज़ाए आलम की यकसानी ऐसी हो जाएगी कि दम घुटने लगेगा। इसलिए ये ज़हानतों का तफावत बाज़ हज़रात को इज्तिहाद के दर्जे तक पहुँचाएगा, लेकिन बकिया अफराद जो इज्तिहाद के दर्जे तक नहीं पहुँचेंगे, क्या उनके लिए इल्म का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए? किसी भी मुआशरे में जो लोग इज्तिहाद के मरहले तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए क्या इल्म का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए? ये तो मुमकिन नहीं है। इज्तिहाद नाम ही है इल्म के दरवाज़े को खटखटाने का। बुज़ुर्गान दीन, बुज़ुर्गान मदारिस तशरीफ़ फरमा हैं, मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने ये ताबीर सोच समझ के गुजारिश की है इस वक्त। इज्तिहाद नाम है दरवाज़े इल्म को खटखटाने का। दरवाज़े इल्म खोलना मुज्तहिद के इख्तियार में नहीं आए, दरवाज़े इल्म खटखटाना मुज्तहिद का काम है, खोलना उधर से तौफीक इलाही का नाम है। इज्तिहाद नाम है बाब इल्म खटखटाने का। बाब इल्म खटखटाने का, और ये अर्ज कर चुका बाब इल्म बस एक ही है। शहर इल्म भी बस एक है, बाब इल्म भी बस एक है। और ये ताबीरें इतनी मशहूर और इतनी मारूफ हो चुकी हैं कि इसकी वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम शहर इल्म कहते हैं तो बस एक ज़ात गिरामी मुराद होती है, और वो है वो ज़ात कि जिसमें मुनहसर है हकीकत नबुव्वत। वो है शहर इल्म, खुदा है ऐन इल्म, ये हैं शहर इल्म। लेकिन हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखें, खुदा ऐन इल्म है, ये शहर इल्म है। और एक खुदा है तो बस एक ही शहर इल्म है। हम तो आप कहेंगे कि ये खिताबत की ताबीरें, आप पूछिए हज़रत अल्लामा आयतुल्लाह सैयद हाफिज़ रियाज़ हुसैन नजफ़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ,
आप पूछिए कि फ़लसफ़े इस्लामी में एक उसूल मुय्यन है, ला यस्दुरु मिनल वाहिद इल्लल वाहिद, एक इल्लत से एक ही मालूल वजूद में आ सकता है। इसीलिए किसी की रुबाई का एक मिसरा है, क़त्ते का एक मिसरा है, एक है खालिक भी और मखलूक भी बस एक है। एक है खालिक भी और मखलूक भी बस एक है। एक है चश्मे इल्म, एक है ऐन इल्म, एक ही है शहर इल्म, और हम क्या करें कि बस एक ही है बाब इल्म। वो उसूल टूट नहीं रहा है, एक इल्लत होगी तो एक ही मालूल होगा। एक है ऐन इल्म, एक है शहर इल्म, एक है बाब इल्म। जो इस सिरात को समझ गया वो मुस्तहिक बहिश्त हो गया। हदीस है, मुझे हदीस याद आ गई बेख्तियार, अल्लामा सदूक अलैहिर्रहमान, अल्लामा सदूक ने अजीब व गरीब इबारत नकल फरमाई है। ये जो मशहूर हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ये हदीस उन्होंने इस तरह नकल फरमाई, अना मदीनतुल इल्म व हिया अल जन्ना, मैं शहर इल्म हूँ और शहर इल्म ही जन्नत है। व अलीयुन बाबुहा, सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं शहर इल्म हूँ और शहर इल्म ही जन्नत है, वही अल जन्ना। ये ताबीर हदीस मुबारक में है जो अल्लामा सदूक ने नकल फरमाई है, वही अल जन्ना व अली उन बाबुहा, अली बाब इल्म भी है, अली बाब बहिश्त भी है। अली बाब है राह नहीं, अली मंजिल है रास्ता नहीं। अली मंजिल है रास्ता नहीं, जो अली तक पहुंच गया, अली हकीम तक पहुंच जाओ, अली अजीम तक पहुंच जाओगे। ये अली हकीम है, वो अली अजीम है। अली मंजिल है रास्ता नहीं है। हमारा काम है जिद्दो जहदो जुहद को काम में लाकर, इज्तिहाद करते हुए दरवाजे इल्म को खटखटाते रहना। मुज्तहिद बाब इल्म को खटखटाता है। अब वो अगर ये मजलिस अज़ा इस अंदाज से ना होती तो बाब इल्म व इल्मी और इंसदाद बाब इल्म के दलाइल और मुकदमात हिकमत और वो तमाम बहसें सामने आती, लेकिन इस वक्त उसका मौका नहीं, वो सब पस मंज़र में। ये वो दकीक बहसें हैं कि जो हौज़ाए इल्मिया में जिसको तय करना पड़ती हैं, वो बहसें पस मंज़र में हैं और गुफ्तगू आपसे हो रही है। अब तक मैंने लफ्ज़ फ़िक्ह की वजाहत किसी हद तक की, फ़िक्ह यानी फ़हम। उसके बाद मैंने कल एक फ़िक्रा और अर्ज़ किया, फ़िक्ह अल-फ़िक्ह हुवा इद्राकु शय वल इल्मु बिही। फ़िक्र की अगली मंजिल है फ़िक्ह। फ़िक्र इब्तिदा है, फ़िक्ह इंतहा।
फिक्र सफ़र है, फिक्र हासिल सफ़र। फिक्र सफ़र है, फिक्र हासिल सफ़र। और हासिल सफ़र जो होता है, जो गौहर मकसूद होता है, उसी के लिए तो सफ़र किया जाता है, उसको फिर हिफाजत से रखा जाता है। जो चीज़ जिस ख़जाने में रखने की होती है वहीं रखी जाती है। कागज़ के नोट बैंकों में रखे जाते हैं, सोने चांदी के सिक्के बैंकों में रखे जाते हैं, जवाहरात खजीनों में रखे जाते हैं, इल्म और फिक्र बैंकों में रखने की चीज़ है, अलमारियों में रखने की चीज़ है। अलमारियों में किताबें रखी जाती हैं, इल्म नहीं रखा जाता। इल्म कहाँ रखा जाता है, फिक्र कहाँ रखी जाती है, हैं? इल्म की अलमारी, उसका नाम है फिक्र। वो फिक्र वो कहाँ पर है, वो ज़हन इंसानी में है। ज़हन इंसानी कहाँ है, रूह इंसानी ही का एक बुद है जिसे ज़हन कहते हैं, नफ्स इंसानी। ये जो आपको नफ्स मिला है, ये नफ्स इंसानी, ये नफ्स इंसानी इसी का एक बुद है। नफ्स एक बसीत हकीकत है, नफ्स एक मुजर्रद हकीकत है, नफ्स एक एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है, नफ्स मादी हकीकत नहीं है। इसीलिए आपका नफ्स खुद नामुतनाही है, आपका नफ्स लामुतनाही है। आप अपने नफ्स की गहराई खुद नहीं नाप सकते, आप अपने नफ्स की वसअत का खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये जुमला मुकर्रर मुख्तलिफ मेंबरों से अर्ज़ कर चुका हूँ, जब आप अपने नफ्स का खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो अपने खालिक का क्या अंदाज़ा लगाएंगे। अपने नफ्स का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो आपको हासिल है, जो चीज़ आपके पास है, इसमें बेपनाह वसअत है और पहले ही से वसअत है, और वसअत मजीद पैदा करने की सलाहियत भी है। लेकिन इसमें वसअत पैदा कैसे होगी, वसअत कैसे पैदा होगी? अब मैं यहाँ पर एक मिसाल दे दूँ और ये मिसाल इंशाल्लाह याद रहेगी। हमारा जिस्म तो मादी है, खाक का पुतला है, लेकिन नफ्स खाक का पुतला नहीं है। लेकिन जो कुछ हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं वो इसी मादी दुनिया की मिसालों से। मादी दुनिया की मिसाल ये है कि कोई मिट्टी का ज़र्फ़ अगर बनाया जा रहा है तो उसमें तभी तक बढ़ाने घटाने की गुंजाइश होगी जब तक उसमें नमी रहेगी। वही पुरानी मिसाल कुम्हार वाली, कुम्हार वाली मिसाल, कुम्हार के चाक पर बर्तन बनता है, कूजे बनते हैं। कूजा कूजागर की कहानी अगर समझ में आई है जो मौलाना रूम ने सुनाई है, अगर वो कहानी जहन में है जो मौलाना सनाई, हकीम सनाई गज़नवी ने सुनाई है, कूजा कूजागर की कहानी, तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। और ज़ाहिर है मैं रूम और सनाई का, मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी और हकीम सनाई का तस्करा इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारी नई नस्ल इनको भी पढ़े, अदब व शेर से वाबस्ता रहे। जब तक आपके अंदर अदबी और शेरी ज़ौक़ नहीं होगा उस वक्त तक जीने का शौक़ नहीं होगा, और जीने का सही ज़ौक़ नहीं होगा। कूजा कूजागर की वो कहानी अपनी जगह,
मगर ये कुम्हार कूजागर ये मिट्टी नर्म रखता है और तेज़ी से चाक उसका तेज़ी से गर्दिश करता, इतनी तेज़ी से कि एक गर्दिश को आप नाप नहीं सकते आसानी के साथ। ये कूजा कूजागर की मिसाल नज़रिया हरकत जौहरिया को समझने में भी मददगार होती है। मुल्ला सदरा का सबसे अहम नज़रिया नज़रिया हरकत जौहरिया है। ये कायनात कायम है, इर्तिका पज़ीर है, चल रही है, क्यों? इसलिए कि इसके जौहर में हरकत है। हरकत इसे आरिज नहीं है, इसके जौहर में हरकत है। इतनी तेज़ी से घूम रहा है चाक कि आप उसकी एक गर्दिश को नाप नहीं सकते, और उसके ऊपर उसकी उंगलियां बहुत ही नरमी से कूजे की शक्ल बना रही हैं। लेकिन कूजे की शक्ल तभी तक बनेगी जब तक उस मिट्टी में नमी रहेगी। तवज्जो है, जब तक नमी है जितना चाहें बढ़ा दें, नमी नहीं होगी तो फिर बढ़ नहीं सकती, है ना, वो खुश्क हो जाएगा। नफ्स इंसानी कि मिसाल खुद आपके हाथ में दिए गए कूजे की है, आपको खुद एक कूजा दिया गया। ये बिला सबब नहीं है जो हमारी क्लासिकल पोएट्री में कल्ब इंसान को जाम और जाम जहां नुमा से तशबीह दी गई है। ये इस्तियारे मुहमल नहीं हैं, ये तशबीहें मुहमल नहीं हैं, इसके पीछे हिकमत है, फलसफा है, मारिफत है और सदियों का इंसानी तजर्बा है। कल्ब इंसान, ये जिसे जाम जहां नुमा कहते हैं, ये दिल थोड़ी होता है जो पूरे जिस्म में खून पहुंचाने का एक आला है। कल्ब यानी रूह, कल्ब यानी नफ्स, ये आपका नफ्स, ये कूजा है, ये जाम है, इसकी वसअत आपके इख्तियार में रख दी गई, इसकी वसअत आपके इख्तियार में रख दी गई। लेकिन चूंकि ये जाम खाकी नहीं है, ये कूजा ये जाम मिट्टी से नहीं बना है, इसलिए ये जो मादी गिज़ा हम लेते हैं ये बहुत ज़्यादा मुमिद और मददगार नहीं है उस जाम के वसअत के लिए, उस सागर को बनाने के लिए। और फरमा रहे हैं, जिस्म कवी होता है तो रूह को भी तस्कीन मिलती है, मगर जिस्म की गिज़ा रूह की गिज़ा नहीं बनती, जिस्म की गिज़ा जिस्म की गिज़ा होती है। जिस्म खाकी है, इसकी गिज़ा भी खाक से रोईदा होती है, और जिस्म बाद में पैवंद खाक हो जाता है। जिस्म का सफ़र इतना है, इस जिस्म ज़ाहरी का सफ़र बस इतना है। जिस्म चूंकि खाकी है इसलिए इसकी गिज़ा भी खाक से ही रोईदा होती है, और नतीजतन ये जिस्म भी आखिर में पैवंद खाक या रिज्क खाक बन जाता है। जहां से इसको रिज्क मिला था उसी का रिज्क ये खुद बन गया। गौर फरमाए आप, जो नीचे से ताल्लुक रखती है बात, जमीन से ताल्लुक रखती है, नफ्स आजहानी है, नफ्स मावराई है, नफ्स जमीन से रोईदा नहीं होता, रूह जमीन से रोईदा नहीं होती, रूह कहीं और से आई है। फ़ाइदा नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही का कि ताबीर इसीलिए इख्तियार की गई कि आदम का बदन तो खाक से बना था मगर रूह ऊपर से डाली गई। जहां से रूह आई है, जहां का नफ्स है, वहीं से उसकी गिज़ा आएगी। और उसूल देख लीजिए, जहां से बदन को गिज़ा मिली थी बदन वहीं पलट के गया, जहां से रूह गिज़ा लेगी पलट के रूह वहीं जाएगी।
सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तो नफ्स और रूह ये मादी नहीं है, खाकी नहीं है, तो इसकी वसअत कैसे होगी? मिट्टी के कूजे को बड़ा करना हो तो मिट्टी इजाफा करेंगे? नफ्स में अगर इजाफा करना हो तो क्या इजाफा करेंगे? नफ्स में क्या मिलाएं कि नफ्स वसी हो जाए? सिर्फ एक चीज शामिल करने से नफ्स वसी और कवी होता है और वो है इल्म। जितना इल्म इजाफा होता चला जाएगा रूह बढ़ती चली जाएगी। मगर याद रखिए एक शर्त मैंने नमी की रखी थी। हर आलम के एतबार से नमी का तसव्वुर भी बरकरार रहेगा। ये पानी माँ, पानी पानी इल्म का इस्तेआरा भी है, पानी हयात का इस्तेआरा भी है, पानी हिदायत का इस्तेआरा भी है, पत्थर इल्म का इस्तेआरा नहीं है। बहुत पुरानी मिसाल है, खुद मैंने दी थी, इसलिए अपनी कही हुई बात दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। किसी बड़े आलिम को अगर लकब आप लिखते हैं तो कभी आप कोह इल्म नहीं लिखते होंगे, इल्म का पहाड़ नहीं लिखते होंगे, बहरुल उलूम लिखते होंगे। चूंकि पानी इल्म का इस्तेआरा है, पानी हिदायत का इस्तेआरा है, पानी ही से हयात है, तो इसलिए चूंकि पानी इल्म और हिदायत का भी इस्तेआरा है, पानी ही हयात का इस्तेआरा है, पानी ही हयात का सबब है, इसलिए पानी सिर्फ यहां नहीं, यहां नमी का तसव्वुर नहीं, नमी का जिक्र मादियात में भी रहेगा, नमी का जिक्र मुजर्रदात में भी रहेगा। अपने एतबार से अब जब यहां हम किसी कूजे में मिट्टी मिलाकर कूजे को वसी करते हैं तो पानी की जरूरत है। जब नफ्स को इल्म अता करके वसी करना होगा तो भी हमें पानी की जरूरत होगी। यहां जब पानी लेते हैं तो यहां के दरिया के दरियाओं से, कूजा बनाने के लिए यहां दरिया चाहिए, दरियाए सिंध से लेंगे, दरियाए दजला से लेंगे, दरियाए नील से लेंगे, दरियाए फरात से लेंगे, हैं? और जब इतने दरियाओं से ले लेंगे आप बर्दाश्त कर लेंगे तो दरियाए गंगा से भी ले सकते हैं। यहां का कूजा दुरुस्त करने के लिए गंगा जमुना किसी का पानी ले लीजिए, मगर नफ्स की तामीर के लिए जो दरिया चाहिए वो दरिया खाकी नहीं होगा। इसीलिए फेख के साथ हमने जाफर को जोड़ा, जाफर दरिया को कहते हैं। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाकर डिक्शनरी देख लीजिए, लुगत उठाकर देख लीजिए, जाफर किसे कहते हैं? दरिया। अगर फिक्ह जाफरी होगी तो नश्व नुमा कभी नहीं रुकेगा। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मसला अर्ज कर रहा हूं, यही सबब है नश्व नुमा कि जहां इज्तिहाद जाफरी नहीं था वहां इज्तिहाद का दरवाजा बंद हो गया, जहां इल्म के दरिया से जुड़ा रहा इज्तिहाद वहां आज भी इज्तिहाद का सिलसिला जारी है। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बुलंदतर सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। इज्तिहाद
من جملہ برکات ختم نبوت ہے، تفقہ من جملہ برکات ختم نبوت ہے، حضور نے سکھایا اجتہاد، ائمہ نے بتایا اجتہاد، لیکن یہ یاد رکھیے گا پھر کہ نبی خود مجتہد نہیں ہوتا، یہ نقطہ کبھی نگاہ سے اوجھل نہ ہو، اس سلسلے میں کبھی غفلت، نبی خود مجتہد نہیں ہوتا، امام خود مجتہد نہیں ہوتا، لیکن نبی اور امام عام انسانوں کو اجتہاد کی تربیت دیتے ہیں۔ اگر اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی تو امام نے تربیت کیوں دی؟ آج بہت سے حضرات کہتے ہیں ہمیں مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت نہیں تھی نبی نے وہ چیز بنائی کیوں؟ امام نے وہ چیز بنائی کیوں؟ بعض حضرات کہتے ہیں شبہات ہیں، شکوک ہیں، ذہن کو کسی نے الجھا دیا، اور الجھانے کے لیے تو ایک پوری معلوم ہے، روز اول ادھر حضرت آدم ادھر، اب میں صرف ابلیس کہہ دیتا ہوں، ورنہ دنیا والے تو برابر کرنے میں، جب حضرت آدم کہتے ہیں تو حضرت ابلیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ادھر ابلیس ادھر آدم، ابلیس بہکانے کے لیے موجود ہے، اس ابلیس کی پوری فوج موجود ہے۔ تو ایک ایک شبہات آتے ہیں صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو امام کی صرف تقلید کرتے ہیں، امام کی بیعت ہوتی ہے تقلید نہیں، مجتہد کی تقلید ہوتی ہے بیعت نہیں۔ اللہ کی بیعت ہوتی ہے، نبی کی بیعت ہوتی ہے، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ کہیں رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ علی میرے جانشین ہیں ان کی تقلید کرو؟ میدان غدیر میں تقلید کا حکم نہیں، بیعت کا حکم دیا تھا۔ علی کی بیعت کرو، اللہ کی، نبی کی، رسول کی اور امام کی بیعت ہوتی ہے، مجتہد کی بیعت نہیں ہوتی، تقلید ہوتی ہے۔ تقلید الگ ہے، بیعت الگ ہے۔ بیعت ہے نفس کو بیچ دینا، بیعت کا مادہ کہاں سے آیا ہے؟ بیعت اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ بیع، بیع و شراء، ہم خدا کی مرضی کے مقابلے میں اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، ہم رسول کے ہاتھ پر اپنا نفس بیچتے ہیں، ہم امام کے لیے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، اپنے وجود کو بیچ دیتے ہیں، مگر مجتہد کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کرتے، مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ حفظ مراتب ہے، مجتہد معصوم نہیں ہے، نفس بیچا جائے گا تو معصوم کے ہاتھ۔ نفس اس قابل ہو جائے کہ معصوم خرید سکے، اس کی تربیت کے لیے مجتہد کی تقلید ضروری ہے۔ نفس اس قابل بھی تو ہو کہ خدا خرید سکے، اس بازار میں کوئی قیمت تو لگ سکے۔ اس بازار میں ہمارے نفس کی کوئی قیمت تو لگ سکے،
तो कीमत लगाने के लिए, उस काबिल बनाने के लिए नफ्स की तरबियत करनी होगी। वो तरबियत के लिए मुज्तहिद की तकलीद है। इस काबिल हो जाए, मुज्तहिद की तकलीद करके इंसान इस काबिल होता है कि तरीकत खुले, शरीयत पर अमल करके नफ्स इस लायक होता है कि तरीकत पर चले। तरीकत वो है कि जो इंसान को इस लायक बनाती है कि हकीकत तक पहुंचे। बयात अलग है, तकलीद अलग है। न धोखा खाएं, न धोखा दें। न धोखा खाएं, न धोखा दें। तमद्दुन, तहजीब, कोई भी तमद्दुन हो, कोई भी तहजीब हो, इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी तहजीब में भी कुछ मुज्तहिदीन हैं, उनकी तकलीद कीजिए। कल मैं मिसालें, दो दिनों से जो मिसालें दे रहा हूँ वो मिसालें आपके जहनों में होंगी। यही घर की मिसाल, अगर आपको घर बनाना है तो किसी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना हो। और दूसरा शुबा जो आप हजरात वारिद करते हैं कि दीन एक है, किताब एक है, शरीयत एक है, फतवे मुख्तलिफ क्यों हैं? कल उसकी वजाहत मैंने की। फतवे मुख्तलिफ इसलिए हैं कि इस्तिंबात की पूरी साइंस है। हर मुज्तहिद उस साइंस में जब साहिब राय होता है तो उसको इंटरप्रिटेशन का हक हासिल होता है। फतवा यानी इंटरप्रिटेशन। फतवा का लुगवी माना है बयान हुक्म, हुक्म नहीं, बयान हुक्म। अल्फा व ता व हर्फुल मुअतल, ये दो असल हैं। इसी असल से फता है, इसी से फतवा है, इसी असल से। एक असल इश्तिकाकी से, इसी से फता है। दो मानी हैं, फता जवान, फतवा बयान हुक्म। असल में फतह के मानी, जवान को फतह इसलिए कहते हैं कि इस रूट वर्ड में जो मानी नहुफ्ता हैं वो है करावत, जिद्दत, ताजगी, शादाबी। फे ते हर्फ मुअतल ये एक ऐसी असल है जिसमें करावत, तरोताजगी, शादाबी। क्योंकि जवान का वजूद उसमें करावत होती है, जिद्दत होती है, शादाबी होती है, इसलिए उसे फतह कहते हैं। कुछ ऐसे वजूद होते हैं जिन पर कभी कभी वो लम्हा नहीं आता कि उनकी तरावत और शादाबी खत्म हो जाए, उनको लिसान नबूवत में फतह कहते हैं। उनको लिसान नबूवत में फतह कहते हैं, लिसान मशीयत में फतह कहते हैं। भाई फतह के मानी कहीं और समझ में आए या ना आए, वो जुमला कौन भुला सकता है? दीवाने मनकबते इलाहिया में जो मिसरा नूर के हर्फों से लिखा हुआ है, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़क़ार। अब अरबाब जो वाकयन अरबाब मारिफत हैं, जो वाकयन हकीकत शनास हैं, जो वाकयन अहले सैर व सुलूक हैं, उनसे पूछिए उलूम सैर व सुलूक में, उलूम तसव्वुफ में एक मुस्तकिल इल्म है जिसे कहते हैं इल्मुल फुतुवा, इल्म फुतुवात मुस्तकिल इल्म है। और ये इल्म वजूद ही में नहीं आता अगर अली को फतह ना कहा जाता।
जितनी तसव्वुफ़ पर किताबें हैं जाके देखिए उसमें इल्म अल फुतुवा है या नहीं है। इल्म अल फुतुवा, फुतुवा जवां मर्दी, जवानी नहीं, जवानी ढल जाती है, जवां मर्दी बाकी रहती है। जवानी नहीं, जवां मर्दी, इल्म अल फुतुवा। और जवां मर्दी से मुराद ज़ाहिर है कि मादी जवां मर्दी नहीं है, वो जवां मर्दी है, जवां मर्दी के मानी है कि इंसान सिरात इलाहिया पर चलने से कभी थके नहीं। जवां मर्दी के मानी है, जवानी और जवां मर्दी में क्या फ़र्क है? जवान थक जाता है, जवां मर्दी थकती नहीं। हबीब जैसा बूढ़ा भी जवां मर्दी रखता है। मुस्लिम इब्ने औसजा भी जवां मर्दी रखता है, जवान नहीं है, जवां मर्दी रखता है। जवां मर्दी इल्मुल फुतुवत का निचोड़ एक जुमले में मैंने अर्ज कर दिया है, यानी वो अनासिर शजाअत बहम पहुंचाना जिससे वजूद इंसानी, नफ्स इंसानी, रूह इंसानी में वो जवां मर्दी पैदा हो जाए कि सिरात इलाहिया पर कभी कदम डगमगाए नहीं और सैर व सलूक में कभी थकन का एहसास ना हो। जितनी रियाजत बढ़ती चली जाए उतना ही नफ्स शादाब होता चला जाए। आम रास्ता तय करने में हर कदम पर थकन बढ़ती है, जब कोई फतह सैर व सलूक इलल्लाह का रास्ता इख्तियार करता है तो हर कदम पर उसकी कुव्वत बढ़ती है। फर्क ये, हम जब मादी रास्ते तय करते हैं, जब मादी रास्ते हम तय करते हैं तो हर कदम पे थकन बढ़ती है। वाज़ेह है ना, ये ज़ाकरी नहीं है, ये शायरी नहीं है, निरी शायरी नहीं है, शायरी है निरी शायरी नहीं है, है? ये हमारे जवानों के लिए सबक है। दुनिया की राहें तय करें, हर कदम पे थकन बढ़ती है, चाहे आप हवाई जहाज़ से तय करें फिर भी थक जाता है जिस्म। मगर फुतूवत वो है, जवां मर्दी वो है कि जो अगर नफ्स में है तो हर कदम पर कुव्वत बढ़ती है। जितनी रियाजत करोगे उतनी ही कुव्वत बढ़ेगी, चेहरा शादाब होता रहेगा, सैर व सलूक इलल्लाह। तो इसी एक रूट से मैं अर्ज कर रहा था, एक ही मादे से फतह है और उसी से फतवा या फुतिया है। उर्दू वाले फुतिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ फतवा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फतवा यानी बयान हुक्म, हुक्म नहीं बयान हुक्म। मुज्तहिद का काम क्या है? इस्तिंबात करके हुक्म बयान करना। फतवा का लफ्ज कुरान मजीद में मौजूद है, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, आपसे ये बयान हुक्म चाहते हैं, कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें फतवा देता है। बयान कलाला में, मीरास के अहकाम में, सूरह मुबारक नसा, फतवा का लफ्ज, इस्तिफ्ता का लफ्ज कुरानी है, इस्तिंबात का लफ्ज भी कुरान में मौजूद है। इस्तिंबात के क्या मानी है? मुज्तहिद क्या करता है? इस्तिंबात, दो अल्फाज और आते हैं, इस्तिंबात इस्तिदलाल, इस्तिदलाल यानी दलील कायम करना, और इस्तिंबात यानी, दोनों में फ़र्क क्या है? बज़ाहिर तो एक है, दोनों में ज़रा लतीफ़ फ़र्क है। अभी पानी और नमी की बात हो रही थी, नबता इसका रूट वर्ड है, नबता के पानी है इतनी गहराई तक ज़मीन खोदना कि पानी निकल आए। जब मुज्तहिद फकी इस्तिंबात करता है, इसके मानी ये है कि इबारतें, रिवायतें, मुतून
टेक्स्ट ये जामिद है, इसमें इस तरह का दो काविश करता है कि आबे माइन माए माइन, हिदायत का आबे जुलाल, इल्म का आबे हयात फूट पड़े। उस आबे हयात को निकालने का नाम है इस्तिंबात। जाहिर में आपको इबारतें नज़र आती हैं, कुछ समझ में नहीं आया, क्लेम है इनको कुछ समझ में नहीं आता। वहीं जब मुश्तहिद की निगाह पड़ती है तो उसी इबारत की गहराई से गौहर मुराद निकाल के पेश कर देता है। इसका नाम है इस्तिंबात। ये गहराई से जो गौहर मुराद निकला है, दोनों में लतीफ़ फ़र्क है। इस्तिंबात और इस्तिदलाल में फ़र्क क्या है? गौहर मुराद निकाल लाना ये है इस्तिंबात, गौहर मुराद को साबित करना कि यही गौहर मुराद है ये है इस्तिदलाल। बातें तो ये दर से खारिज की हैं, मगर गुजारिश यहाँ कर रहा हूँ आप हजरात की इजाज़त से। इस्तिंबात और इस्तिदलाल में नाजुक सा फ़र्क है। लाहौर उलमा का शहर रहा है, मुफस्सरीन का शहर रहा है। लाहौर के सामेईन से कम मैं तो बहुत मुतमईन हूँ, सामेईन मुझसे हो या ना हो मैं बहुत मुतमईन हूँ। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में उलमा तशरीफ़ फरमा है, मुज्तहिदीन तशरीफ़ फरमा है। इस वक्त भी मरजे तकलीद हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा बशीर नजफ़ी साहब के बिरादर मुअज़्ज़म तो यहीं तशरीफ़ फरमा है, और जनाब हाफिज़ बशीर साहब क़िबला जो इस वक्त मरजे तकलीद हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो जामियतुल मुंतज़र के तालिबे इल्म भी रह चुके हैं। तो इस जामे की कदर समझिए कि जिसने कम से कम एक मरजे तकलीद पेश कर दिया। इस जामे की कदर जानिए, कदर शनासी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके दरमियान से और मुज्तहिदीन पैदा हों। ऐसा न कीजिए कि जो मुज्तहिदीन आपके दरमियान आ जाएं उन्हें आप ज़ाया करें, ऐसा ना कीजिए। इसलिए कि फिर पलट के आ रहा हूं उस आयत की तरफ, फलाउला नफर मिन कुल फिरकत मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहु बिद्दीन, क्यों नहीं हर फिरके से, हर गरोह से, हर गांव से, हर कस्बे से, हर शहर से, हर आबादी से, हर इंसानी मुआशरती इकाई से, कुछ लोग निकलते ताकि वो दीनी तफक्कुह करें, दीनी इल्म हासिल करें और उस इल्म के साँचे में खुद ढलें और वापस आकर अपने मुआशरे को ढालें। इस आयत से और इसके ज़िम्न में जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की रिवायतें हैं उससे साबित होता है कि इज्तिहाद वाजिब किफाई है। वाजिब किफाई, फ़र्ज किफाया, जानते हैं नहीं जानते हैं फ़र्ज किफाया? फ़र्ज किफाया की बहुत मशहूर मिसाल ये है कि कोई जनाजा पड़ा हुआ हो किसी मुसलमान का, तो पूरी मिल्लत इस्लामिया पर वाजिब है, एक एक फ़र्द पर वाजिब है उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन, और कोई एक भी अगर अंजाम दे दे तो बाकी सब पर से साक़ित। यह है फ़र्ज किफाया की मिसाल। अगर कोई एक लाश पड़ी हुई हो बेगोरो कफन, तो पूरी मिल्लत पर फर्ज है, और अगर पूरी मिल्लत तड़प रही हो तो क्या मुज्तहिद पैदा करना फर्ज किफाया नहीं है? मुज्तहिद पैदा करना फर्ज किफाया नहीं है? इसको जरा सा और वसी कर दूं ताकि पैगाम मुकम्मल तौर पर जाए। बुजुर्गान सुन रहे हैं, ख़वातीन सुन रही हैं, माएँ सुन रही हैं, जो मुस्तकबिल में माएँ बनने वाली हैं वो हमारी बहनें सुन रही हैं,
معاشرے کی تہذیب کی تمدن کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب فرض کفایہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ معاشرے میں کوئی ایک ایسا برین اسپیشلسٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پوری ملت کا سر جھک جاتا ہے، اس کی تذلیل ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، یہودیوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے ہمیں جانا پڑتا ہے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنی بڑی ملت ہے اور ایک ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو برین اسپیشلسٹ ہو اس پائے کا۔ اس وقت چونکہ پوری ملت کی عزت و آبرو بھی خطرے میں ہے اور ضرورت بھی ہے، نیاز مندی بھی ہے، ملت پر فرض کفایہ ہے کہ وہ ایک برین اسپیشلسٹ پیدا کرے۔ بیان حکم میں غلطی تو نہیں کی میں نے؟ اگر کوئی ایک ماہر اقتصاد نہیں ہے ہمارے پاس، یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں کراچی میں، ماہر اقتصاد، بحمد اللہ دامن اسلام میں، ملت اسلامیہ میں، کوئی مانے یا نہ مانے، فقہ جعفری سے وابستہ مجتہدین تمام ملت کا سرمایہ ہیں، صرف شیعوں کا سرمایہ تھوڑی ہیں، تمام ملت کا سرمایہ ہے۔ بحمد اللہ اجتہاد کی ایک روایت قائم ہے، بحمد اللہ ہم نے ہر صدی میں سینکڑوں مجتہد پیدا کیے، آج بھی روئے زمین پر، آج اب میں ٹھہر کے پوچھ لوں برادر عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقوی صاحب سے پوچھ لوں، مجھے کچھ معلوم تو ہے مگر پوچھ لوں کہ اس وقت کتنے مجتہد ہوں گے، صاحبان رسالہ عملیہ نے مجتہد کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں ہیں، اس وقت موجود ہیں سینکڑوں، اس وقت سینکڑوں روئے زمین پر مجتہد موجود ہیں، ملت غنی ہے، فقیر نہیں ہے، خدا کا شکر ہے ہمارے پاس مال ہو یا نہ ہو، علم کی دولت ہے، اور اٹھا کر دیکھ لو دیوان منصوب، دیوان مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس میں عجیب و غریب شعر فرمایا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ دوسری طرح بھی قرت ہے اس شعر کی، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء مالو۔ مولا نے فرمایا ہے کہ ہم تو ہمارے رب نے جو ہماری قسمت بنائی ہے اس پر صابر و شاکر ہیں، راضی ہیں، راضی، راضی با رضا، راضی با قضا، اور کیا راضی با قضا ہے؟ رضینا قسمت الجبار فینا، جو اس پروردگار نے، اس جبار نے جو قسمت بنائی ہے، جو حصے بانٹے ہیں، قسمت سے مراد حصہ بٹنا ہے، جو حصے بانٹے ہیں اس پر ہم راضی ہیں، ہمیں علم دیا، ہمارے دشمن کو مال دے دیا، ہمارے دشمن کو مال دے دیا۔ غنی ہے ملت اسلامیہ، جو استفادہ نہیں کرتے سوئے قسمت، غنی ہے، علم و اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج ملت کی سربلندی کے لیے اور کیا چاہیے؟ ہمیں اچھے مخلص سیاستداں چاہیے، اچھا سیاستداں بننا فرض کفایہ ہے، اچھا اکنامسٹ بننا فرض کفایہ ہے، اچھا مینجمنٹ جاننے والا ماہر بننا، مدبر، مدبر بننا فرض کفایہ ہے۔ بڑے صدمے کی بات ہے، ہندوستان سے لے کر پاکستان تک میں جہاں جاتا ہوں، ہر دوسرا تیسرا نام جو ہے وہ اپنے ساتھ لقب لکھوانے پہ اعزاز محسوس کرتا ہے کہ میں مفکر اسلام ہوں۔ اتنے مفکر پیدا ہو گئے کہ جس کی حد نہیں،
एक मुदब्बिर नजर नहीं आता। चूंकि मुफक्किर बनने में तो कोई खर्च नहीं होता, फिक्र खर्च होती है, और बहुत से मुफक्किर ऐसे होंगे जो फिक्र के सही मानी भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि फिक्र के मानी ये समझते होंगे कि हम फिक्रमंद रहते हैं मिल्लत के लिए। फिक्रमंद रहना और है, और इल्मी तफक्कुर और है, मंतकी तफक्कुर और है, हकीमाना तफक्कुर और है। बहरहाल गुफ्तगू कहीं से कहीं पहुंच जाती है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इज्तिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है। जिस तरह इकोनॉमिस्ट बनना, अच्छा माहिर इक्तिसाद बनना फ़र्ज़ किफ़ाया। कोई मुल्क, कोई नेशन, कोई तमद्दुन तरक्की नहीं कर सकता और मुस्तहकम नहीं हो सकता जब तक कि उसमें अच्छा माहिर इक्तिसाद ना हो और अच्छा मुदब्बिर ना हो। कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जो हुस्न तदबीर से हल ना हो, और कोई मसला ऐसा नहीं है जो सूए तदबीर से मुश्किल ना बन जाए। तदबीर अगर सूए तदबीर है तो मुश्किल ही मुश्किल है, हर मसला मुश्किल बन जाएगा, और अगर हुस्न तदबीर है, मैनेजमेंट आता है, मिसमैनेजमेंट से मुश्किलें बनती हैं और सही मैनेजमेंट से मुश्किलें हल होती हैं। बात मैनेजमेंट की है। आजकल बड़े मुल्कों में जो थिंक टैंक हैं उनका अगर तज्जिया कीजिएगा तो वो सिर्फ सोच सोच के मिसमैनेजमेंट करते हैं। लिख लीजिएगा ये जुमला, आज पूरी दुनिया की इब्तिला ये है, मुसीबत ये है कि वो सोचते रहते हैं कि उस मुल्क में मिसमैनेजमेंट कैसे पैदा किया जाए, उस मुल्क में मिसमैनेजमेंट कैसे पैदा किया जाए, उस मुल्क में मिसमैनेजमेंट कैसे पैदा किया जाए। अगर दुश्मन या गैर या हरीफ या रकीब मिसमैनेजमेंट कर रहा है तो आप अच्छा मैनेजमेंट करने का हुनर पैदा कर लीजिए। मातम ना कीजिए, सिर्फ शिकवा ना कीजिए, गिला ना कीजिए, एहतजाज ना कीजिए, हुस्न तदबीर सीख लीजिए, मुश्किलात हल हो जाएंगी, मुश्किलात हल हो जाएंगी। और बस ये पैगाम ज़रूरी है, और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि ये हुस्न तदबीर आ नहीं सकती जब तक के, यानी मुश्किल कुशाई आएगी कैसे जब तक के मुश्किल कुशा तक ना पहुँचे। मैनेजमेंट के लिए एक जुमला दोहरा रहा हूँ, किसका? अपने और आपके आका मौला बाब मदीनतुल इल्म, बाब बहिश्त, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, वलीउल मुवहिदीन, सैयदुल औलिया, खातिमुल औसिया, अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम। छोटा सा जुमला है, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरमाते हैं, उसीकुम नज़्म अम्रकुम, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, सिफारिश करता हूँ, वसीयत करता हूँ, ताकीद करता हूँ, उसीकुम ताकीद करता हूँ, किस चीज़ की? नज़्म अम्रकुम, मैनेजमेंट की। किसका जुमला है? मौला अली का जुमला है। मौला अली का जुमला है, उसीकुम नज़्म अम्रकुम, अपने तमाम उमूर को मुनज़्ज़म करो, हर हर मसले में प्रोग्रामिंग और मैनेजमेंट सही होना चाहिए, प्रोग्रामिंग और मैनेजमेंट। बहरहाल, और मैंने जो ताबीर पहली तकरीर में अर्ज़ की थी वो फिर दोहरा दूँ इस मंजिल पर आकर, कि ज़िंदगी के हर पहलू और हर शोबे का मैनेजमेंट मुस्तकिल एक हैसियत रखता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी के मैनेजमेंट का नाम है इल्म फ़िक्र। याद होगा ना आपको, ये अर्ज़ किया था, इल्म फ़िक्र में कद्दो काविश करने का नाम है इज्तिहाद। इज्तिहाद का जो रूट वर्ड है
जीम है दाल, जीम छोटी है, दो चश्मी है, जीम है दाल, हाय हवज। जीम है दाल में दो मानी हैं, एक मशक्क़त के, एक ताकत के। इज्तिहाद बाबे इफ्तिआल से है, मशक्क़त करना अपनी अपने अंदर जितनी ताकत है वो सारी ताकत सर्फ करना। किस चीज़ में सर्फ करना? किसी भी फ़न में अगर आप ताकत सर्फ कर रहे हैं तो उस फ़न के मुज्तहिद कहलाएंगे। साइंटिस्ट साइंस के मैदान का मुज्तहिद है। शुआरा में जो इल्म अरूज़ में बहुत बाकमाल होते हैं वो फ़िक्र बिल्कुल नहीं जानते, मगर उन्हें मुज्तहिद फ़न का लकब दिया जाता है। अल्लामा आरजू लखनवी मुज्तहिद फ़न थे, अल्लामा नातिक लखनवी मुज्तहिद फ़न थे, यानी इल्म अरूज़ और इल्म शायरी में, उलूम अदब में कमाल के दर्जे पर थे। शरीयत में अपनी पूरी कद्दो काविश जिद्दो जहदो जहद सर्फ कर देने का नाम क्या है? इज्तिहाद। दीन के दायरे में इज्तिहाद की ज़रूरत क्या है, क्यों है? अब तक की गुफ्तगू से बहुत सी बातें हैं तो आप तक मुंतकिल हो चुकी हैं, लेकिन जो हज़रात ये कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हमारे लिए हदीस काफ़ी है, तवज्जो रहे। एक तरफ वो उस नज़रिए से इख्तिलाफ करते हैं जिस नज़रिए में कहा गया था कि किताब काफ़ी है, और एक तरफ मुज्तहिद की ज़रूरत का इनकार करके उसी फार्मूले पर अमल करना चाहते हैं कि किताब काफ़ी है। काफ़ी है, ये सब किताबों के नाम हैं, ये सब हदीस के मजमूए हैं। जितने नाम मैंने गिनाए ये हदीस के मजमूए हैं। एक किताब काफ़ी का नाम आप सुनते रहते हैं। किताब काफ़ी के भी तीन हिस्से हैं, एक है उसूल काफ़ी, एक है फ़ुरू काफ़ी, एक है रौज़ा काफ़ी। फ़ुरू काफ़ी में फ़ुरू दीन से मुतालिक सारी रिवायतें हैं। वसाइल शिया में सिर्फ फ़ुरू दीन से मुतालिक रिवायतें हैं। तहदीब इस्तिफ़सार फ़ुरू दीन से मुतालिक रिवायतें हैं। इन तमाम किताबों में हदीसें हैं। आज जो लोग कहते हैं मुज्तहिद की ना सुने आप, आप मनला यहज़रुल फ़कीह उठाकर देख लें काफ़ी है, इसके मानी यही है ना, वो कहते हैं किताब काफ़ी है। अब मैं एक दकीक और लतीफ़ नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मासूम से जब पूछा गया कि जब सिलसिले इस्मत हमारे सामने ना हो और हमारे सामने नए मसाइल पैदा हो जाएं तो उन मसाइल में क्या करें, तो मासूम ने कहा फर्जु अम्मा अल-हवादिस, जो हादसे वजूद में आएंगे उसमें फर्जु फीहा इला रुवात हदीसना, जो हादसे नए वाकयात सामने आए उसमें रुजू, ये नहीं कहा कि हमारी हदीस की तरफ रुजू करना, हमारी हदीस को नकल करने वालों की तरफ रुजू करना। अगर फरमाते हदीस की तरफ रुजू करना तो उस मकतब की तस्बीत हो जाती कि किताब की तरफ रुजू करना। रुवात हदीस है ना, हदीस के रुवात की तरफ रुजू करना। रुवात रावी की जमा है, रावी जिंदा वजूद होता है मुर्दा नहीं, इसीलिए शर्त है तकलीद जिंदा मुज्तहिद की होगी, मुर्दा मुज्तहिद की नहीं। मुर्दा को रावी नहीं कहते। मुर्दा को रावी नहीं कहते, लफ्ज इतलाक रावी मुर्दा पर मजाज है, जिंदा पर हकीकत। हमल मजाज पर किया जाए या हकीकत पर?
मुर्दा को रावी कहना, रावी यानी रिवायत बयान करने वाला, इसमें फ़ाइल है ना, रावी इसमें फ़ाइल है, रावी रिवायत बयान करने वाला, नरेट करने वाला। जो मर चुका इस वक्त वो रावी नहीं है, वो रावी था। जो जिंदा है वो रावी है। मासूम ने कहा जो नए मसाइल पेश आए उनमें हमारी हदीस की रिवायत करने वालों की तरफ रुजू करना, रिवायत की तरफ नहीं, रावी की तरफ रुजू करना। दिक्कत है, रिवायत की तरफ रुजू करोगे तो किताबों में सच्ची रिवायतें भी हैं, झूठी रिवायतें भी हैं। अच्छी तरह मसले को समझ के जाएं। इसमें तो किसी मुसलमान को शक नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में, आपकी ज़िंदगी में आपके तरफ, आपकी तरफ झूठी हदीसें मंसूब की जाने लगी थीं, जिसके बिना पर हुजूर ने फरमाया कि मेरी तरफ झूठे अक्वाल मंसूब किए जाते हैं, इसलिए उसकी परख का मेयार बताया कि जो हदीस कुरान के मुताबिक है वो कबूल करना, जो कुरान के मुताबिक ना हो उसे रद्द कर देना। इससे एक मेयार भी सामने आया, लेकिन साथ साथ ये भी तय हो गया कि हुजूर की ज़िंदगी में झूठी हदीसें गढ़ी जाने लगी थीं। हुजूर के बाद कितने रावी दरबारों में पाले गए, कितने रावी दरबारों में ढाले गए, कितने ऐसे रावी बनाए गए जिनको किसी माँ ने जन्म नहीं दिया था। किताब में सब है, किताब में सब है, किताब में एक सिलसिला सनद है, फुला अन फुला अन फुला अन फुला अन फुला अन फुला, इन्होंने उनसे नकल किया, उन्होंने उनसे नकल किया, उन्होंने उनसे नकल किया, उन्होंने उनसे नकल किया, उन्होंने रसूलुल्लाह से नकल किया, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से नकल किया, उन्होंने इमाम सादिक से नकल किया। बस आपने इमाम सादिक का नाम देखा और किताब बंद कर दी। इमाम सादिक से आप तक हदीस पहुँचाने वाले जो सिलसिले हैं, इनमें हर एक को जाँचा, हर एक को परखा, हर एक का नसब नामा देखा, ये भी देखा कि ये नाम जो लिखा हुआ है हिलाल इब्ने मालिक, हिलाल इब्ने अतिया या मालिक इब्ने अतिया, ये मालिक इब्ने अतिया तो मौजूद है, हिलाल इब्ने अतिया तो कोई है ही नहीं। किसी माँ ने हिलाल इब्ने अतिया नामी रावी पैदा नहीं किया, सिलसिले सनद में मौजूद है, रिवायत में मौजूद है अब्दुल्ला इब्ने सबा, रियाज यूनिवर्सिटी से पीएचडी हुई, कब, 20वीं सदी में पीएचडी हुई, जिसमें कहा गया अब्दुल्ला इब्ने सबा नामी कोई बच्चा रूए जमीन पर पैदा ही नहीं हुआ था। ईरान के एक जलीलुल कदर फकीह और मुज्तहिद और मुहक्किक और मेरे शेख एजाजा, इस हकीर को बराह रास उनसे नस्बत है, उनसे इजाज़ा है, उनके कलम मुबारक से, हज़रत अल्लामा बुज़ुर्गवार आयतुल्लाह, बल्कि आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद मुर्तज़ा अल अस्करी रिज़वानुल्लाह अलैह, अभी चंद साल क़ब्ल उनका इंतकाल हुआ है। उन्होंने किताब लिखी है मिअतुन व खमसून सहाबी मुख्तलक, 150 वो सहाबी जो रूए ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुए थे। कितने, एक दो नहीं, 150 सहाबी जो पैदा ही नहीं हुए थे, जो लोग थे ही नहीं। नाम गढ़ने में कितनी देर लगती है, नाम गढ़ने में कितनी देर लगती है,
150 सहाबी, आज रिजाल की का इल्म एक बड़ा इल्म है। ये इजमालन यहां पर गुफ्तगू को समेट रहा हूं, इजमालन ये यकीन है कि नए नए नाम गढ़े गए, हदीसें गढ़ी गईं। तो हदीसें मखलूत हैं, सच्ची झूठी मिली हुई हैं। सच्ची हदीस को झूठी हदीस से अलग करने का नाम है इज्तिहाद। अब आपका जी चाहे इज्तिहाद का सहारा लीजिए, जी ना चाहे तो सहारा ना लीजिए। और फरमाया आपने, बस इतनी सी बात है, सादा सी बात है। इज्तिहाद की जो टेक्निकल तारीफ है अब उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, बात ख़त्म हो गई, मैसेज आप तक पहुंच गया। जाहिर है कि तीन दिन की तकरीर में कितनी बातें कही जा सकती थी, हैं? और वो भी वो इल्मी बहसें जिस पर हौज़ाए इल्मिया में महीनों नहीं बरसों बहसें होती हैं, बरसों बहसें होती हैं। यही बाब तकलीद व इज्तिहाद पर 6 महीने 7 महीने 1 साल में ये चैप्टर क्लोज नहीं होता है। तो वो 3 दिन के अंदर आपको कि मैं कितनी बातें अर्ज कर सकता था, मगर इतना याद रखें इजमालन कि हदीस मासूम की हदीस, मगर मासूम की तरफ सच्चे अकवाल भी मंसूब हैं, झूठे अकवाल भी मंसूब। ये सच और झूठ का फैसला करने के लिए रात को सहर करना पड़ता है। रातें जाग कर आंखों में काटनी पड़ती हैं। इज्तिहाद ज़रूरी है और आपके लिए इसके अलावा चारा नहीं है कि या खुद आप, दरवाज़ा खुला हुआ है, या खुद आप कोशिश करें या जो लोग कोशिश कर चुके हैं उनसे इस्तेफादा करें। ये इस्तेफादा अक्ल का तकाजा है, मंतिक का तकाजा है, दीन का तकाजा है, तहजीब का तकाजा है, तमद्दुन का तकाजा है, ये फितरत इंसानी का तकाजा है। और तकलीद बयात नहीं है, हरगिज़। तकलीद सिर्फ आपको इस लायक बनाती है कि आपका नफ्स बिकने के काबिल हो जाए उस बाजार में जहां बिकना हमारे और आपके लिए इफ्तिखार है। बस फर्क यह है हम में और दूसरों में, हम जिंदगी भर इल्मी कद्दो काविश करें, इज्तिहाद करें, तफक्कुह करें, मेहनत करें, रियाजत करें, तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, इबादत करें, रियाजत करें तो नफ्स बिकने के काबिल होता है। और कोई वो है जो सिर्फ सो जाए? अब भी कहोगे वो हमारे जैसे हैं? नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा हैदरी, बुलंदर सलावत। वो हमारे जैसे, हम सारी जिंदगी इल्मी रियाजत करें, अमली रियाजत करें, तब भी शुभाए पता नहीं नफ्स इस काबिल हुआ कि नहीं हुआ कि मंजूर नजर इलाही हो जाए। और एक वो फतह है कि जो हुक्म रसूल से सिर्फ सो जाए। क्या मुतावात है, खुदा की कसम। देखिए, नफ्स अली को पहचानिए, नफ्स बाब इल्म को पहचानिए। मुताबा तफक्को, तफक्को अपने नफ्स को ढालना आसान है। हम किसी जवान से कहें कि मेरे बिस्तर पे लेट कर सो जाओ, वो हुक्म मानने के लिए लेट सकता है, सो नहीं सकता। हुक्म मानने के लिए लेट सकता है, सो नहीं सकता। ये अली का नफ्स कैसा तफक्को है इसका,
रसूल ने कहा सो जाओ तो अली सो गए। अली के सो जाने की अदा कुदरत को इतनी पसंद आई कि कुरान में आयत आ गई, कौन है जो अपने नफ्स को बेचता है और मर्ज़ात इलाहिया को खरीदता है। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले उनका सो जाना हमारा पूरी जिंदगी का बेदार रहना, उनका एक शब सो जाना, एक शब के एक मुख्तसर हिस्से में सो जाना, पूरी शब तो सो नहीं सकते, सुबह तक तो सो नहीं सकते। भाई यही रिवायत है कि अली सो गए, ये नहीं है कि नमाज शब भी नहीं पढ़ी उस दिन उस रात, ये नहीं है कि नवाफिले शब अदा नहीं किए, ये नहीं है कि जिक्र नहीं किया। अली जाकिर खुदा, अली इबादत गुजार खुदा, अली सो गए, रात के एक हिस्से में सोए, हुजूर निकल गए, सफर फरमाया हुजूर ने, हिजरत हो गई, रात के एक हिस्से में अली सो जाए तो अल्लाह की तमाम मर्जियां खरीद लेते हैं। ये उसका नफ्स है कि जिसे रात के बस एक हिस्से में ही तो मेहराज हुई थी, पूरी रात मेहराज का सफर नहीं जारी रहा था, रात के एक हिस्से में। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, क्या कहना उस परवरदिगार का जो अपने बंदे को रात के बस एक हिस्से में ले गया, एक रात के एक हिस्से में मुस्तफ़ा मेराज पर पहुंचे और रात के एक हिस्से में सोकर अली ने, बस अब हद अदब है, मेरी ज़बान गुंग है, मेरी ज़बान गुंग है, मुस्तफ़ा काबा कौसैन और अदना तक पहुंचे तो मुस्तफ़ा की मेराज कहलाई, अली फर्श पर सो गए तो रब ने आके मर्जियां अली के हाथ भेज दी। अपनी मर्जियां बेच दी, जिसके हाथ अल्लाह मर्जी बेच दे उसकी मर्जी के बगैर कोई सिरात से गुजर सकता है? अली के दिल में मोहब्बत रखने वालों हाथ बुलंद करके मिलके बोलो नारा। सिरात से कोई गुजर नहीं सकेगा जब तक कि अली रजा ना दें। अली की रजा इसलिए शर्त है कि अली मालिक के रजा है। कोई अकीदा हमारा गैर मंतिकी नहीं है, गैर असासी नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं। जो मालिक के रजा इलाही है उसकी रजा मोतबर है। बस गुफ्तगू को रोक रहा हूँ, आज की गुफ्तगू ख़त्म हो गई। इस सफ़र में जो कुछ कहना था इज्तिहाद व तकलीद के बाब में अर्ज़ कर चुका, बस एक जुमला और कह लूँ। रूट वर्ड एक ही है, जीम है दाल, जहद इसी से है, जहद जहद यानी ताकत, इसी से है जिहाद, इसी से है मुजाहदा, इसी से है इज्तिहाद। बस एक जुमले में एक पैगाम है, पूरा पैगाम। रूट वर्ड एक है, जीम हे दाल, अपने नफ्स पर कुव्वत सर्फ करना इज्तिहाद है, अपनी जात के खारिज में दीनी माहौल पैदा करना जिहाद है, अपने नफ्स के अंदर दीन को उतारना मुजाहदा है। वाजे हुई बात।
अपनी जात के अंदर दीन का माहौल बनाना मुजाहदा नफ्स, अपनी जात के बाहर दीन को फैलाना जिहाद, दीन फैलाने का शुऊर पैदा करना इज्तिहाद। न मुजाहदा बगैर इज्तिहाद के हो सकता है, न जिहाद बगैर इज्तिहाद के हो सकता है। जो जिहाद इज्तिहाद के साए में होगा वो अमन आफरी होगा। जिस जिहाद के साथ, जो जिहाद इज्तिहाद के साए में नहीं होगा वो फसाद और फितना पैदा करेगा, अमन पैदा नहीं करे। सलावात पढ़ने मोहम्मद वाले में बस इज्तिहाद की बहस यहां रोक रहा हूं। चाहे मुजाहदे नफ्स हो, इज्तिहाद जरूरी है। चाहे जिहाद हो, इज्तिहाद जरूरी है। अगर मैदान जिहाद में हर शख्स मुज्तहिद बन जाए, कोई भी मुकल्लिद ना हो, तो हर जंग जंगे उहद बन जाएगी। तवज्जो है, जंगे उहद क्या हुआ था? जंगे उहद क्या होता? हुजूर मौजूद हैं, हुजूर ने हुक्म दिया तुम यहां ठहरे रहना, यहां से हटना नहीं, हिलना नहीं। हुजूर को भी क्या क्या साथी मिले थे, कोई जान बचाने के लिए भाग जाता था, कोई माल लूटने के लिए भाग जाता था, क्या क्या लोग मिले। और नतीजा ये होता था कि हुजूर की जीती हुई जंग मुसलमान हार जाते थे, हुजूर कोई जंग नहीं हारे, अल्लाह का रसूल कोई जंग नहीं हारा। मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करके जीती हुई जंग हारी है। इताअत शर्त है, हुजूर मौजूद हैं तो जो हुजूर हुक्म दे बस उस पर अमल होगा, हुजूर नहीं है इमाम है तो जो इमाम हुक्म दे उस पर अमल होगा, इमाम नहीं है तो जो हाकिम शरा है, जो वली फकी है, जो फकी है आदिल है, बगैर इज्न हाकिम शरा जिहाद नहीं हो सकता। जिहाद इब्तदाई, और उस वक्त क्या होगा मालूम है? हर शख्स पैसालार बना हुआ है, क्योंकि हम तो तकलीद ही नहीं करते, हर शख्स पैसालार बना हुआ है। नहीं, अगर जंग जीतनी है, चाहे तहजीब की जंग हो, तमद्दुन की जंग हो, इल्म की जंग हो, अखलाक की जंग हो, कलम की जंग हो या तलवार की जंग हो, तो आपको एक सरबराह को तस्लीम करना होगा। सरबराह तस्लीम करना होगा, और जब सरबराह तस्लीम कर लें तो फिर आपके अंदर वो अदाएँ होनी चाहिए। होंगे आप फ़कीह भी, आप भी फ़कीह होंगे, आप भी मुज्तहिद होंगे, आप भी शुजा होंगे, मगर आप अब्बास से बड़े फ़कीह नहीं हो सकते। आप अब्बास से बड़े शुजा भी नहीं हो सकते, आप अब्बास से बड़े वफ़ादार भी नहीं हो सकते, आप अब्बास से बड़े साबिर भी नहीं हो सकते। बस तीन दिन से लगातार फ़िक्ह व इज्तिहाद की गुफ्तगू हो रही है और मसाइब में मैं हज़रत अब्बास ही का ज़िक्र कर रहा हूँ, लेकिन आज जी चाहता है कि चंद मुख्तलिफ बातें अर्ज़ कर दूँ, चंद रिवायतों की तरफ, ताकि मौजू से मरबूत जो कुछ है वो जहन में सामने आ जाए। अब्बास का जो मरतबा है वही मरतबा ज़ैनब का है। हुसैन इमाम है, हसन इमाम है, लेकिन जनाब बीबी ज़ैनब इमाम नहीं है, बीबी उम्मे कुलसूम इमाम नहीं है, अब्बास भी इमाम नहीं है।
ये मासूम नहीं है इस्तिलाहन, मगर ख़ताकार भी नहीं है, महफूज अनिल ख़ता। अब्बास फ़कीह है, ज़ैनब भी फ़कीहा है। ज़ैनब तो वो आलिमा है जिसके इल्म को इमाम वक्त ने खराज तहसीन पेश किया है। जब बीबी ज़ैनब ने कूफे के बाज़ार में खुतबा इरशाद फरमाया है तो जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा आप तो वो आलिमा हैं कि जिसने किसी के सामने जानू अदब तय नहीं किया, आलिम गैर मुअल्लमा हैं, किसी ने आपको सिखाया नहीं, किसी ने आपको तालीम नहीं दी, मगर आपके पास इल्म है, आप वो फहम रखती हैं कि किसी ने आपको फहम नहीं दिया है। ये खराज पेश किया है ना मासूम ने, ऐसा इल्म रखने वाली बीबी आखिर कौन सा दर्स देना चाहती थी कि जब रोज़े आशूर खैमों में शोले भड़क रहे थे तो बीबी ने जाके सैयद सज्जाद से पूछा, बेटा तुम इमाम वक्त हो, बताओ हम जलते हुए खैमों में जल के मर जाएं या बेरिदा खैमों से बाहर निकल जाएं। और हमारे इससे ये मौजू बहस हमारा मरबूत है, जब इमाम मौजूद हो, जब हाकिम शरा मौजूद हो तो हाकिम शरा का एजन ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी। यहाँ एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ, बीबी का बेरिदा खैमों से निकलना बीबी का जिहाद है। और अभी मैंने कहा जिहाद बगैर इज़्ने हाकिम शरा नहीं हो सकता, इसलिए बीबी पूछ रही है, इमाम वक्त हो बताओ अब हम जिहाद शुरू करें। और इमाम ने कहा, हाँ फूफी अम्मा हाँ, जान बचाना वाजिब है, अब आपके जिहाद का मरहला है। बीबी निकल गई, जाहिर है ये एक अहम मसला था जिसकी तरफ मैंने गुजारिश की, अहकाम शरीयत पे कब अमल किया जाए, किस सूरत में अमल किया जाए। मुफस्सल और मुतव्वल किताबें फ़िक्ह की हैं, उसमें नमाज ही के बारे में जब इत्मीनान की कैफियत हो तो नमाज अदा होती है तमाम आदाब व शराइत के साथ, मैदान जंग हो तो नमाज खौफ होती है। बाज़ हालात ऐसे हैं, बाज़ रिवायतों में ज़िक्र है कि चार रकात नमाज के लिए चार तकबीरें काफ़ी होती हैं। मुतव्वल जो किताबें हैं उनमें मौजूद है। यही सूरत ज़कात की है, कैसे हालात में कैसे ज़कात दी जाए। जब कोई इमाम, सखी इमाम, जब कोई इमाम, आलिम इमाम, मासूम इमाम, हुज्जत खुदा 30,000 के लश्कर में घेरा हुआ हो, जब कोई यावरो मददगार ना हो, जब कोई मोनिसो गमखार ना हो, जब कोई साथ देने वाला मौजूद ना हो, उस वक्त इमाम कैसे नमाज पढ़े, कैसे ज़कात दे। हमारे आका हुसैन ने नमाज भी पढ़ी है, ज़कात भी दी है। अगरचे ये मजलिसें, सफ़र का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सारी क़यामतें तो रोज़े आशूरा गुज़र गईं। सरकारे सैयदुश्शुहदा जब तन्हा रह गए तो आपने देखा उस वक्त जब फौज यजीदी में जो शख्स था उसके पास जो कुछ था वो बस हुसैन की तरफ वार कर रहा था।
जो तीर अंदाज थे वो हुसैन को निशाना बना रहे थे, जिनके पास नैज़े थे वो हुसैन को निशाना बना रहे थे, जिनके हाथों में तलवारें थीं वो हुसैन को निशाना बना रहे थे। और रिवायत में है, तारीख़ का एक टुकड़ा है, जिसके हाथ में कुछ नहीं था वो अपने सिपह सालार पेसरे नहस की खुशनूदी हासिल करने के लिए ज़मीन से पत्थर उठाता था और हुसैन की तरफ फेंकता था। ऐसे माहौल में हुसैन ने देखा कि एक शख्स है जो चला आ रहा है, एक शख्स है जो चला आ रहा है, वो हुसैन की तरफ असलहा नहीं उठा रहा है, उसकी कोशिश है कि किसी सूरत से हुसैन तक पहुंच जाए। वो शख्स आया और आने के बाद देखिए, ये हुसैन है, हुसैन कितने वाक़ियात हैं जो ज़हन में इस वक्त आ रहे हैं और कोशिश जी चाह रहा है कि बयान करूं, लेकिन दामन वक्त में अब गुंजाइश नहीं है। हुसैन ठहरे हुए हैं, वो करीब आया और उसने कहा, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, या अब्दुल्लाह। इमाम की कुनियत है अबू अब्दुल्लाह, वो इमाम को जानता नहीं है, इसलिए उसने कहा, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह। इमाम ने कहा, वालैका सलाम। जवाब सलाम देने के बाद कहा, तू अजनबी मालूम होता है, क्या तू करबला में अभी पहुंचा है? तवज्जो है। उसने एक मरतबा कहा, ए बंदे खुदा, इतने बड़े लश्कर के दरमियान आप ये कैसे समझ गए कि मैं अभी पहुंचा हूं और अजनबी हूं? जवाब सुनने की सकत है? कहा, हाँ, इसलिए कि आज इस पूरे लश्कर में कोई मुझे काबिले सलाम नहीं समझता। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, आज इतने बड़े लश्कर में कोई मुझे काबिले सलाम नहीं समझता, इसलिए जब तूने कहा, तूने सलाम किया तो मैं समझ गया कि तू अजनबी है, अभी वारिद करबला हुआ है। कहा, खुदा के वास्ते आप बताइए, आप हैं कौन? मैं आपकी मारिफत हासिल करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया कि नहीं, मेरी मारिफत हासिल ना कर, वापस चला जा, वापस चला जा, तेरी बेटी घर पर मुंतजर है। ये वो इमाम कह रहा है जिसकी बेटी खैमे में बाबा की मुंतजर। जिस इमाम की बेटी खैमे में बाबा की मुंतजर है, वो इमाम कह रहा है, वापस चला जा, तेरी बेटी घर पर तेरी मुंतजर है। वो शख्स तड़प गया, आपको कैसे मालूम कि मेरी कोई बेटी भी है? आपको कैसे मालूम कि वो मुंतजर भी है? आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ अजनबी हूँ? आप कौन हैं? ये चेहरे पर नूर कैसा है? एक मर्तबा इमाम ने सर ने उड़ा के कहा, मैं तेरे रसूल का नवासा हुसैन हूं। मैं हुसैन हूं, हुसैन। आज ये करबला के बन में कोई मुझे काबिले सलाम नहीं समझता, और देख, मैं ताकीद से कह रहा हूं, फौरन वापस चला जा। अब मैं आखिरी मर्तबा आवाज़े इस्तेगासा बुलंद करूंगा, जिन कानों तक मेरी आवाज़े इस्तेगासा जाएगी उन पर मेरी नुसरत वाजिब हो जाएगी। जो आज मेरी नुसरत नहीं करेगा वो मुस्तहिक अज़ाबे इलाही होगा। इसलिए तेज रफ्तार के साथ इतनी दूर चला जा कि मेरी आवाज़े इस्तेगासा तेरे कानों में न जाए। इमाम की बातें सुनकर तड़पता रहा, उसने कहा, नहीं, अब मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे अपने कदमों में मरने की इजाजत दे दे। इमाम ने फरमाया, नहीं नहीं, तेरा नाम महज़रे शहादत में नहीं है, तू उन गवाहों में से होगा कि जिन्होंने हुसैन को इस हालत में देखा।
तू उन गवाहों में से होगा जिन्होंने हुसैन को इस आलम गुर्बत में देखा है। और वापस जा, जब वो इमाम के हुक्म से वापस मुड़ा कहा ठहर जा, तू भूल गया जब सफर तिजारत पर निकला था तो तेरी बेटी ने कहा था बाबा जब वापस आइएगा मेरे लिए अंगुश्तरी लेकर आइए। कारोबार तिजारत में बेटी की फरमाइश भूल गया, इसलिए मैं अपनी अंगुश्तरी दे रहा हूँ, ये जाके बेटी को देना और कहना किसी खारिजी ने खुरूज नहीं किया था, वो फातिमा का बेटा हुसैन था जिसने तुझे अंगुश्तरी हदिया की है, ये हुसैन की वो जकात है जो हुसैन ने हालत रुकू में दी है, वो रुकू जिसके बाद हुसैन ने खाके घर में करबला पर सजदा किया, जिसके बाद सर उठाया नहीं, सर उठाया गया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। أجركم على الله إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره। परवरदिगार आपके इस नालो बुका को कबूल फरमाए, परवरदिगार आपकी इबादत अज़ा को कबूल फरमाए, परवरदिगार हमें हमेशा दामान आल मोहम्मद से वाबस्ता रखे, परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को तहज़ीब आल मोहम्मद से आशना फरमाए, परवरदिगार इस्लाम की बरकतों को तमाम आलम बशरियत के लिए आम फरमाए, परवरदिगार इस मिंबर हुसैनी का वास्ता, इस फ़र्श अज़ा का वास्ता, ज़िक्र हुसैन का वास्ता, बीमार हुसैन का वास्ता, जितने बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला अता फरमा, खुसूसियत के साथ बानी अज़ा बिरादर अज़ीज़ बद्रुल हसनैन हैदर साहब की, बेगम मरीज़ हैं सैयद अली अकबर जैदी मरीज़ हैं, और जितने भी मरीज़ हैं उन सबको सेहत कामिल आता फरमा, परवरदिगार जो नादार हैं उन्हें गनी कर दे, परवरदिगार जो हरीस हैं उन्हें कनाअत की दौलत दे, परवरदिगार दुनिया में बेअमनी है बेचैनी है, अमन और आफ़ियत के नकीब को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत का परचम लहरा दे। अस्सलाम।